हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में रोटेशन, रेवोल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सीजन्स, इक्विनॉक्स और सॉलिस्टाइसिस के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है दो इम्पॉर्टेंट मोशंस ऑफ द अर्थ से। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मोशन है वो है रोटेशन। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर मूव करती है 24 आवर्स के लिए तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, चारों तरफ घूमती है, तो उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। तो जब अपने एक्सिस पर खुद घूमे तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, और जब वो पूरे के पूरे सन का एक फिक्स ऑर्बिट पे, फिक्स पाथ पर ऑर्बिट करे, रोटेट करे, रिवॉल्व करे, तो उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये दो तरह के मोशंस देखे हमने। उसके बाद द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी की एक्सिस है। तो पृथ्वी की एक्सिस को अगर हम यहाँ से मापें तो लगभग 66.5 डिग्री का ऑर्बिटल प्लेन आएगा। तो इसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो ऑर्बिटल प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो पृथ्वी हमारी आधी ये वाला हिस्सा सूर्य के प्रकाश को रिसीव करती है, सनलाइट को रिसीव करती है, जिसके वजह से इस एरिया में डे होता है, और जिस एरिया में सन के लाइट को नहीं देखा जाता उसे हम नाइट कहते हैं। तो एक ऐसा लाइन होता है जो डे और नाइट को सेपरेट करता है। तो एक ऐसा लाइन जो डे और नाइट को डिवाइड करे ग्लोब पर, उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इधर दिन और इधर रात, इधर डे होगा और इधर नाइट होगा, और ये वो लाइन है जो आइडेंटिफाई करती है कि इस लाइन के इधर डे होगा और इस लाइन के इधर नाइट होगा। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आप जैसा कि देख रहे हैं कि अभी डे है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी नाइट है। तो एक मूवमेंट अगर हम देखें, अर्थ 24 घंटा कंप्लीट करती है अपना रोटेशन, अपने एक्सिस पे घूमने में 24 घंटा लगाती है रोटेट करने में। तो रोटेशन का ये समय एक अर्थ डे कहा जाता है, यानी कि 24 घंटा एक अर्थ डे कंप्लीट होने में लगता है अपने रोटेशन को कंप्लीट करने में। तो दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ऐसा क्या हो जाएगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो? व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? तो अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो एक हिस्सा हमेशा सन को फेस करेगा, दिन रहेगी और वहां पर वार्मथ होगा, गर्मी रहेगी। दूसरा हिस्सा जहां पर सन का लाइट नहीं होगा वो हिस्सा डार्क हो जाएगा और उस एरिया में फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगी। तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगा। तो एक ऐसा एरिया जहां सिर्फ डे हो, वार्मथ हो, और एक ऐसा एरिया जहां सिर्फ डार्कनेस हो, फ्रीजिंग कोल्ड हो, तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। तो जो हमारा दूसरा मूवमेंट है मोशन का, तो सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो जब ये पृथ्वी सन का चारों ऊपर चारों तरफ से घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, 365 दिन लगाती है समय घूमने में, तो इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इट टेक्स 365 वन बाई फोर डेज, तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। पर हम 365 दिन को ही काउंट करते हैं और बाकी के 6 आवर्स को हम 4 साल में कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। तो पहला 6 आवर, दूसरे साल का आवर, तीसरे साल का 6 घंटा और चौथे साल के 6 घंटे को ऐड करके हमारा हो जाता है 24 घंटा। तो 24 घंटा बराबर 1 डे, और वही 1 डे फरवरी में हम 28 की जगह 29 दिन का फरवरी हम कैलकुलेट करते हैं और वो हमारा लीप ईयर होता है, वो हमारा लीप ईयर होता है 366 डे का। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 आवर्स को सेव करके हर साल
एक चौथे साल में ऐड कर दिया जाता है ओवर स्पैन ऑफ 4 ईयर, और इसमें फरवरी के मंथ में 28 दिन के जगह 29 दिन होता है, और साल में 365 दिन के जगह 366 डे 366 डे होता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। अगर आपको लीप ईयर आइडेंटिफाई करना है तो किसी भी साल को, ईयर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 4 से डिवाइड करने पर वो पूरा पूरा कट जाए, 4 5 जा 20, देन 2 0 4, 4 6 जा 24, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, तो ये आपका लीप ईयर है। दैट मीन्स नेक्स्ट लीप ईयर आपका 2028 होगा। तो जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो आपका लीप ईयर है। तो फिगर नंबर 3 में हम साफ साफ देख पा रहे हैं, 3.3 में, ये जो हमारी पृथ्वी है सन के सर्कल में नहीं घूम रही है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, इस तरह से इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मतलब ये ओवल शेप में घूम रही है, अंडाकार शेप में घूम रही है। तो हमारी पृथ्वी सूर्य के अंडाकार शेप में परिक्रमा करती है, और इस मूवमेंट के वजह से, रेवोल्यूशन के वजह से पूरे पृथ्वी पर सीजन्स देखने को मिलते हैं। तो एक साल में यूजुअली समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन देखे जाते हैं, और ये सीजन का बदलाव अर्थ के सन के रेवोल्यूशन के वजह से, अलग अलग पोजीशन में आने के वजह से, यहाँ पर रहने से स्प्रिंग और ऑटम, यहाँ आने से समर विंटर, यहाँ आने से ऑटम स्प्रिंग, यहाँ आने से विंटर समर, तो ये अलग अलग मूवमेंट के वजह से इस तरह से सीजन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ समझने के लिए आप ऐसे देखिए कि 21 जून को नदन हेमिस्फीयर में सन का रे सीधा सीधा गिरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जिसके वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ज्यादा हीट और लाइट रिसीव होता है, और नॉर्थ पोल इस समय ज्यादा इंक्लाइंड होता है टुवर्ड द सन, जिसके वजह से आर्कटिक सर्कल कॉन्टिन्यूस डे लाइट महसूस करता है 6 महीने तक के लिए। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजंस नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ में समर सीजन होता है, और साइमल्टेनियसली इसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन, तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन, याद रखेंगे। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, और यदि सदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समय विंटर होगा। तो द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट डे नाइट एट दिस प्लेसेस अकर इन 21 जून। तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। सदर्न हेमिस्फीयर में ये कंडीशन रिवर्स कर जाता है, इस समय यहाँ विंटर रहता है, नाइट्स लॉन्गर होती हैं, डे शॉर्टर होते हैं, और यही पोजीशन को समर सोल्स्टिस कहा जाता है। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट रेस कलेक्ट करते हैं सन से, और साउथ पोल टिल्ट रहता है सन के रेस से, और वर्टिकली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे। तो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन जो कि सदर्न हेमिस्फीयर पे है, ज्यादा लाइट पाने की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर पर समर रहेगा, डेज लॉन्गर रहेंगे और नाइट शॉर्टर रहेंगे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर यही चीज रिवर्स कर जाता है। तो दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया समर सीजन में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में 25 दिसंबर को समर सीजन होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 25 दिसंबर को विंटर सीजन होते हैं। इसी तरह से 21 मार्च और सितंबर 23 को डायरेक्ट रेस ऑफ सन इक्वेटर पर गिरती है, जिसके वजह से न तो दिन ज्यादा रात छोटी, न रात ज्यादा दिन छोटा, तो इक्वल डेज इक्वल नाइट्स होते हैं, इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो स्प्रिंग सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर में, और इसी का अपोजिट 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हमने देखा कि रेवोल्यूशन के वजह से सीजन्स बदलते हैं, और रोटेशन के वजह से डे एंड नाइट का चेंजिंग होता है। तो आप ये जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है, और यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है
तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है। इसी तरह से जब नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, और नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग। तो इस वाले सिचुएशन को इक्विनॉक्सेस, और इसे विंटर सोल्स्टिस, और इसे समर सोल्स्टिस कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।